हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद सिमी। तो जैसे कि मैंने छोटे से ब्लॉग में आप लोगों को अभी बताया, मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना कुकर चढ़ा दिया है और उसमें हम अब डाल देंगे तेल, थोड़ा उसके बाद हमारा तेल गर्म होने देंगे। तो गाइस, हमारा तेल हो चुका है गर्म और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा चटकने लगा है और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये गाजर और आलू जो मिक्स करके रखे थे। बाद हम इसमें डालेंगे हमारे लिए टमाटर में कट करके रखे थे और डाल देंगे हमारा थोड़ा सा नमक, उसको मिक्स कर लेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने मटर उबाल के रखी थी, क्योंकि मटर उबालने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मटर हमने थोड़ी पहले से उबाल ली थी और उसके साथ हम इसको फिर से उबालने थे। मटर फिर से उबालने का कारण ये है कि हमको अच्छी तरह से मैश करना है, इन सब्जियों को अच्छी तरीके से उबाल लेना है, उसके बाद में हम इसकी इसमें तड़का लगाएंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। और गाइस, इसको हमने अच्छे तरह से मिला लिया है और इसमें पानी ऐड कर लेंगे। और इसको बंद कर देंगे। तो गाइस, हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद तेल, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बटर। पूरा बटर हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी कैप्सिकम और प्याज, हम दोनों को एक साथ ही ऐड कर देते हैं। गाइस, ये हमने डाल दिया इसमें कैप्सिकम और प्याज। अब इसको हल्का सा गुलाबी करना है बस। तो हमने इसमें लिए तीन प्याज और एक सजी कैप्सिकम। गाइस, जब हम इसमें डाल देंगे, इसमें हम डालेंगे हमारी हल्की लाल हो चुकी है प्याज गुलाबी कलर, इसमें हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो ये डाल दिया हमें और हम इसको मिक्स करते हैं। इसमें धनिया और कच्ची मिर्च हमने जो काटे थे वो हम डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला 2 चम्मच करीब। यहाँ हमने 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल दिया इसमें। थोड़ा सा कलर लाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा मिर्ची, लाल मिर्च, शिमला मिर्च कलर के लिए यूज़ किया है, उसको मिक्स कर देंगे। हम डाल देंगे इसमें नमक, हाँ, इसमें नमक ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो गाइस, ये है सारी सब्जियाँ जो मैं उबाल करती हूँ, तो मेरे पास मैशर नहीं है, मैं इसको इस तरीके से मैश कर ले रही हूँ। आप लोगों के पास अगर मैश है मैशर तो आप लोग उससे भी मैश कर सकते हैं। तो हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है, देख सकते हैं। तो गाइस, ये है हमारा सब्जी का पूरी सा, हम इसको डाल देंगे। तो
दाल को हम मिक्स कर देंगे। तो गाइस इसमें हमने एक चीज़ नहीं डाली अभी तक, वो है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी हमने डाल दी इसमें और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और गाइस तो हमारे ये पाव भाजी भाजी रेडी है। तो इसमें डालना है कुछ खट्टा, तो आप लोग नींबू का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इमली का यूज़ किया है, इमली से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ इमली का पानी यूज़ किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थिक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा मोटा नहीं करना है। थोड़ा थिक थिक रहेगा तो अच्छा लगेगा। घर में आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। फ़ोन से समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ लाइट कम है। तो राइस बहुत ही अच्छा बना है और रह गए हमारे पाव। पाव हम कैसे बनाएंगे वो भी दिखा देते हैं। हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया, बटर हमने इस तरीके से चला लिया था। तो बटर हम डाल दे रहे हैं इसमें और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। उसके बाद थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। उसके बाद जो हमने पाव भाजी ये बेक करके रखी थी इस तरीके से, इसमें